हेलो, मैं श्री फौरासी सनोसल आपसे का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद मैं यूपी का करंट अफेयर आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ होऊंगा कि अच्छा लगेगा आपको ये टॉपिक बेहतरीन, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन आपको बहुत ही बढ़ता जा रहा है होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप प्रिपेयर हो जाइए इसके लिए। मैं यहाँ पे ज़रूर कुछ कुछ दिनों पे ज़रूर करंट अफेयर लेके आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम में पुटअप कर लिए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आ जाए, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन भी बहुत बड़ा है। तो बने रहेगा मेरे साथ, और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट एक टॉपिक यहाँ पे लिखा है, पहला योजना है। मैं यहाँ योजना के बारे में पहले बता दूँ। पहला योजना का नाम आपने सुना होगा, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं इससे। अब इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, किस तरह से, तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इस योजना का नाम है गंगा हरितिमा योजना। आपने नाम सुना होगा गंगा हरितिमा। गंगा पे जानते हैं इतना फोकस किया जाता है, हमारी राष्ट्रीय नदी है, जिसे कब घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी, तो नवंबर 2008 को हमारी गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। तो पूछा गया गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2018 पूछा जाता है। गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो 7 अप्रैल 2018 पूछा गया। कहाँ से हुई इसकी इसकी शुरुआत, तो प्रयागराज। प्रयागराज क्यों, क्योंकि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया। तो गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो 7 अप्रैल 2018। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो प्रयागराज से हुई। तो गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश किस जिले से हुई, तो प्रयागराज से। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने जिलों से गंगा हरितिमा जिला योजना को प्रारंभ किया गया, तो 27 जिलों से इसको प्रारंभ किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, पुटअप किया जाएगा कि गंगा हरितिमा योजना का कितने जिलों से प्रारंभ किया गया, तो 27 जिलों से प्रारंभ किया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें किस पे इस नारा स्लोगन, नारा को क्या बोलते हैं, स्लोगन बोलते हैं, इसका स्लोगन क्या था, इसका नारा क्या था, हर इसके पीछे थोड़ा इंस्पायरेट करने के लिए इसमें नारा दिया गया। तो नारा क्या था, एक व्यक्ति एक वृक्ष। तो इस पूछेगा गंगा हरितिमा योजना में नारा क्या था, उस नारे का नाम क्या है, स्लोगन क्या दिया गया था, तो एक व्यक्ति एक वृक्ष, जिससे आपको सीधा ही आपको क्लियर होता होगा एक व्यक्ति एक वृक्ष का मतलब क्या है, कि हर एक व्यक्ति, इसका मतलब इस योजना में ये बात रखी गई कि हर एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, जैसे हम सब, हम आप सभी आम व्यक्ति, तो एक व्यक्ति होगा, हर एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाए तो पर्यावरण संतुलन रहेगा और हमारे जो पॉल्यूशन होगा वो भी कम होगा। तो गंगा, तो इसका नारा क्या था, एक व्यक्ति एक वृक्ष, जो कि बहुत सराहनीय ये बात की गई थी इसमें, कि हर एक आम व्यक्ति एक ही वृक्ष बनाए तो हमारा पर्यावरण कभी बैलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, इस जो योजना की बात कहाँ से शुरू किया गया था, इसका एक वन क्षेत्र तैयार किया गया था। वन क्षेत्र मतलब वन समझ में आ रहा होगा, वृक्ष की बात की जा रही है, तो वृक्ष वन में क्या होते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस वन क्षेत्र कहाँ तक तैयार किया गया था, कहाँ से कहाँ तक, तो वन क्षेत्र जो तैयार किया गया था, तो बाद से बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले तक ये वन क्षेत्र तैयार किया गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा गंगा हरितिमा योजना का प्रारंभ किया गया कब किया गया, 7 अप्रैल 2018, कहाँ से, प्रयागराज से। पूछेगा कितने जिलों से प्रारंभ किया गया, 27 जिलों से प्रारंभ किया गया। नारा क्या था, एक व्यक्ति एक वृक्ष। नेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक ये वन क्षेत्र तैयार किया गया, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो कि बलिया माना जाता है, वहाँ तक वन क्षेत्र तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरी सबसे बड़ा योजना है आपका एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत ही आपने सुना होगा ये क्वेश्चन, श्योर है आपके एग्जाम्स में ज़रूर आ सकता है, ज़रूर आप याद रखिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है एक जिला जो होगा हमारा एक प्रोडक्ट के लिए फेमस माना जाए, जिसमें कला, लोगों की जो कला है छुपी हुई कला, वो लोगों तक पहुँचे जो बेचारे अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसमें आपको ये मिला है, और इससे रोज़गार मिल जाए, रोज़गार के अवसर मुहैया कराया सकें, इस योजना का ऐसा थीम है, समझ लीजिए। अब क्वेश्चन पूछेगा एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई, तो 24 जनवरी 2018। तो ये क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वैसे ही लग रहा है रोज़गार देने के लिए इस योजना का प्रारंभ कह सकते हैं आप, और
24 जनवरी से याद रहेगा यूपी डे कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश डे यानी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा योजना है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश दिवस के दिन हुआ, तो एक जिला एक उत्पाद योजना का शुरुआत उत्तर प्रदेश डे यानी उत्तर प्रदेश डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। तो इस उत्तर प्रदेश डे एक क्वेश्चन और बनेगा, 24 जनवरी को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, हमारा उत्तर प्रदेश दिवस। तो एक जिला एक उत्पाद की योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो 24 जनवरी को। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। सब इंपॉर्टेंट है, हमें जितने मैंने लिखा जरूर जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश है तो विकास है, बिल्कुल सही बात है। गांव में मैं कभी कभी जाता हूँ, अंधेरा रहता है, जैसे लगता है कोई ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी बिल्कुल वीरान लगती है, बिल्कुल बेकार सी लगती है, और उस जगह का एजुकेशन रेट भी बहुत स्लो जाता है। तो प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है, ये सब आप भी जानते हैं। तो प्रकाश है तो विकास है, इसकी शुरुआत पूछा था कब हुई, तो इसकी शुरुआत जो होती है हुई है 25 दिसंबर 2017। तो प्रकाश है तो विकास है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो क्रिसमस डे भी याद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्यों ये किसके दिवस पे मनाया गया, तो जानते होंगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे निधन हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के मौके पर ये योजना की शुरुआत की गई, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सी योजना है जो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर शुरुआत की गई, तो प्रकाश है तो विकास है यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन कब हुआ, सोच लीजिए, इतने महान व्यक्ति हैं और महान व्यक्ति महान दिन पे पैदा हुए, 25 दिसंबर को शुरुआत हुई, तो जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। कोई जरूरी नहीं होता है, कर्मों से श्रेष्ठ होता है व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा उद्देश्य क्या था, निर्धन मतलब गरीबों को मुफ्त बिजली बिजली जो है कनेक्शन करना, टू प्रोवाइड द मतलब कह सकते हैं बिजली कनेक्शन प्रोवाइड कराना, जो निर्धन है गरीब है जिनके तक बिजली नहीं पहुंच रही है, तो गांव गांव तक बिजली पहुंचाना निर्धन यानी गरीबों को। तो मुफ्त बिजली बिजली की सेवा किस योजना के द्वारा दिया गया, नाम ही से निकल रहा है प्रकाश है तो विकास, प्रकाश मतलब बिजली, लाइट, लाइट होगा तभी प्रकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कब किया गया इसकी शुरुआत, 25 दिसंबर 2017। पूछेगा शुरुआत किस जिले से हुआ, तो अगर जिला पूछेगा प्रकाश है तो विकास है, इस योजना का आरंभ कि उत्तर प्रदेश किस जिले से हुआ, तो मथुरा आपने सुना ही होगा। पूछेगा मथुरा जिले के दो गांव से शुरुआत हुआ, कितने गांव से शुरुआत हुआ, दो गांव से, पहले गांव का नाम है लोहबान, दूसरे का नाम है गौशाना। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश है तो विकास है, जब प्रकाश होगा तभी विकास होगा गांव का भी, तो इस उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरुआत हुआ, तो मथुरा जिले से। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ कितने गांव से, तो दो गांव से शुरुआत हुआ, पहले का नाम लोहबान और दूसरे का नाम क्या है, गौशाना। यहाँ पे इन्होंने 100% बिजली कनेक्शन दी, तो ये भी एक सराहनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा किस उत्तर प्रदेश से किस जिले को, सॉरी, किस जिले को संगीत का शहर घोषित किया गया, तो पूछा जाएगा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया, तो वाराणसी को संगीत का शहर घोषित किया गया। कब किया गया, तो 21 जून 2018, योग दिवस जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कब घोषित किया गया, तो 21 जून 2018। पूछा था किस संस्था ने घोषित किया, तो यूनेस्को, नाम सुना होगा, यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पूछा गया किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया, तो वाराणसी। पूछा था कब किया गया, तो शुभ शुभ 21 जून 2018 को घोषित किया गया। किस संस्था द्वारा किया गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, तो यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे गंदा रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया, तो कानपुर को। तो सबसे गंदा रेलवे स्टेशन आपके उत्तर प्रदेश जिला कानपुर को घोषित किया, कानपुर सेंट्रल जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसे पिछली बार क्वेश्चन कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बस यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दीजिए, ग्राम उद्योग रोजगार योजना। ग्राम में उद्योग होंगे, उद्योग मतलब इंडस्ट्री होगा, तो वहाँ रोजगार के अवसर खुद ब खुद पैदा होंगे, उनके लिए हायर किए जाएंगे, तो इसका और उस गाँव की तरक्की होगा, देश का विकास होगा, क्योंकि कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता है जब तक वहाँ का गाँव ना विकास कर पाए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, 15 मई 2018। तो पंडित
दीनदयाल उपाध्याय जी ग्राम उद्योग रोजगार योजना कब शुरुआत हुई? 15 मई 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट में मेरा टॉपिक है, सबसे मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इससे आ सकते हैं मैंने सारे लिख दिए हैं। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हैकथॉन पूछा गया। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, हैकथॉन जानते हैं सबसे पर्यावरण के लिए सबसे घातक चीज़ किसे माना गया है? तो प्लास्टिक, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब इसको कभी नष्ट नहीं किया सकता है ना, तो प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए सबसे घातक पूछा था। पर्यावरण के लिए सबसे घातक क्या माना जाता है? तो प्लास्टिक। तो बीट का मतलब इसे ख़त्म कर दो, बीट का मतलब नष्ट कर दो, इसके बाद से ये लग रहा है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जो प्लास्टिक से होने वाला पोल्यूशन है उसे ख़त्म करो, यानी प्लास्टिक ही नहीं रहेगा तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। और हैकथॉन, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कभी नष्ट नहीं किया सकती, तो ये पर्यावरण के लिए, हमारे लिए, इकोसिस्टम के लिए भी बड़ा डेंजरस है। क्वेश्चन पूछेगा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हैकथॉन का शुभारंभ कब हुआ? तो 12 सितंबर 2018 को इसका शुभारंभ हुआ। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन का शुभारंभ कब हुआ? 12 सितंबर 2018 को। क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा किया गया? तो पर्यावरण एवं वन मंत्री, पर्यावरण, इन्होंने पर्यावरण वन मंत्री जो थे एवं वन मंत्री जैसे फॉरेस्ट मिनिस्टर जो थे, इन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जो कि बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा, जो कि कौन है हमारे, तो दारा सिंह चौहान जी ने। तो हमारे उत्तर प्रदेश से, पूरा उत्तर प्रदेश का टॉपिक है, पूछेगा हमारे किस मंत्री ने, हमारे पर्यावरण एवं वन मंत्री का नाम क्या है? दारा सिंह चौहान। पूछेगा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हैकथॉन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पर्यावरण एवं वन मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 12 सितंबर को शुरुआत की गई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आप पूरा समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा अगर इसकी शुरुआत हो गई है, शुरुआत कर दी गई है और प्लास्टिक सब लोग यूज़ ही कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ इसका? तो क्वेश्चन पूछेगा इसको बैन कब, प्रतिबंध मतलब प्रतिबंध कब लगाया गया प्लास्टिक पर? तो 15 जुलाई 2018। क्वेश्चन पूछेगा प्लास्टिक पॉलीथीन जैसे हो गया, पॉलीथीन बैग, कैरी बैग, थर्माकोल, ये सब वगैरह सारी जो बनती हैं सारी चीज़ प्लास्टिक, कैरी बैग वगैरह जैसे प्लास्टिक की जो बनी होती हैं, इसे बैन कब किया गया? तो 15 जुलाई 2018 को बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसमें एक बात ये कही गई, 50 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए, माइक्रोन मतलब ये कम नहीं होना चाहिए, ये आप ये सोचेंगे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 50 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए, और अगर वो 50 माइक्रोन से कोई भी पन्नी कम होती है तो पर्यावरण के लिए बड़ी घातक है। तो 50 माइक्रोन से ज़्यादा का यूज़ बोला गया सरकार द्वारा और पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा, लेकिन कम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जितना कम होगा उतनी मोटाई ज़्यादा होगी, थिकनेस ज़्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बने रहेगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। थैंक यू एंड कीप इट अप।